साथियों, आज जो है किसानों का मीटिंग हुआ है यहाँ पर, जो है क्लॉस कंपनी के द्वारा किसानों को बुलाया गया है। यहाँ पर जो है क्लॉस कंपनी का सोना 38 F1 जो है वेराइटी है वो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ किसानों भाइयों ने लगाया है, तो उनका अनुभव जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से रहा उनका अनुभव। क्योंकि साथियों, क्लॉस कंपनी जो है इनकी शुरुआत जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है, ये किसी प्रकार की प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये किसानों का एक समूह है और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हम समझते हुए चलेंगे, वीडियो में देखेंगे आगे किसानों का किस तरह से रिस्पॉन्स रहता है। तो अभी हम यहाँ पर से आगे चलेंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें जानकारी हम लोगों को मिल पाती है उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एशिया और अफ्रीका दोनों मार्केट देखता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में सीखने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप लोग यूज़ करते हैं और हम नहीं जानते। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा हमें भी बताइए। सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला और भी कुछ चीज़ें हैं। फाइनली साथियों, अभी जो है मीटिंग खत्म हो चुकी है और अभी यहाँ पर डिनर की भी व्यवस्था है, तो अभी आगे हम डिनर भी करेंगे। तो इसमें हमको साथियों ये समझ आया कि जैसे कि नई नई कंपनियाँ जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, तो ये उतना नया भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं जी, कोई राजेश भाई जी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से इसका उपयोग करते हुए आ रहे हैं, तो उनको इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सभी कंपनियाँ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को रखते ही हैं, तो इसमें किस तरह से पॉजिटिव पॉइंट है, तरीके से हमारे किसान भाइयों की बातों को सुना, समझा कि आगे हम इसमें किस तरह से आगे काम कर सकते हैं मिल करके। तो राजेश भाई ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर भी रिसर्च जो सेंटर है होने चाहिए, ताकि यहाँ के क्लाइमेट लगातार बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च हो, ताकि किसान भाइयों को उसमें कम से कम नुकसान देखने को मिले। तो उन्होंने इस बात को समझा। और सोना हमने सबसे पहले कंपनी ने बोला तो हम लोग अंबिकापुर में लगा हुआ था, वहाँ देखने गए जी, और वो थोड़ा सा लगा हुआ था, तो हमने उस फार्मर के यहाँ देखा। उसके बाद हमने देखा कि वो वैरायटी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी चलेगी जी। नेक्स्ट ईयर हमने ट्राई किया और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आया जी, और 3 साल से हम लोग लगा रहे हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग में भी नहीं है, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, वायरस टॉलरेंस बहुत अच्छी है, और दूर इलाके में भेजने के लिए आप आराम से इसे भेज सकते हैं। हमने इंडिया में इसको कलकत्ता, दिल्ली सभी मार्केटों में भेजा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यूपी तक भी गया है, उड़ीसा तक भी गया है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और सर, जैसे कि आपने वो मार्केट को समझना, क्योंकि अभी हम जैसे क्लॉस कंपनी में आए हुए थे और अलग अलग कंपनी के काफ़ी सारे टमाटर थे, उसको आप किसान भाई खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपने पॉइंट बताया था, उसको थोड़ा सा बताएंगे। हर किसान अगर ट्राई करना चाहे तो हर कंपनी की जो जो उनको अच्छी लगे वैरायटी को ट्राई करें, सबसे पहले उसका वायरस टॉलरेंस ही देखें जी, जो रखने वाला वायरस टॉलरेंस ही देख लें कि उसमें वायरस कितना आ रहा है। अगर वायरस आ रहा है तो वैरायटी काम की नहीं है। फिर सेकेंडरी उसका हीट सेट देखें कि वो कितने टेम्परेचर में सेट हो रही है आपके एरिया में, अगर वो सेट हो रही है सेकंड उसमें आप पास करिए। थर्ड, अगर वो हिटसेट में भी पास हो जाती है तो उसके बाद आप देखिए टॉलरेंसी, अगर वो टॉलरेंसी देखना है, नहीं टॉलरेंसी नहीं उसको बोलते हैं हम, दूर तक के जाने के लिए उसका कीपिंग क्वालिटी, तो कीपिंग क्वालिटी के लिए क्या होता है कि जितनी वैरायटी आपके पास लगी है सबको आप रखिए 10-10, 15-15 दिन, और उसके बाद आप उसको रेगुलर चेक करते रहिए, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि कौन सी वैरायटी की कीपिंग क्वालिटी अच्छी है और किस वैरायटी की ख़राब है जी। उस हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं जी। और सर, जैसे कि आपने मैग्नीशियम और पोटास का एक जो रेशियो को समझाने की कोशिश की, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, पोटास और मैग्नीशियम का जो रेशियो है 1:10 का रेशियो है, अगर ये रेशियो सही नहीं हुआ, अगर मैग्नीशियम बढ़ गया तो आपके टमाटर के फल पकना बहुत लेट डिले हो जाएंगे जी, और पोटास आपका बढ़ गया जी, तो मैग्नीशियम डिफिशेंसी कई वेराइटियों में बहुत अच्छा से दिखाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 1:10 का जो रेशियो है पोटास और मैग्नीशियम का, उसको अगर आप करेंगे तो आपका टमाटर जल्दी पकेगा, जल्दी टूट जाएगा, टाइम से टूट जाएगा, जल्दी मीन्स टाइम से टूट जाएगा, तो आगे की आपकी फ्रूटिंग बढ़ेगी, तो ओवरऑल आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो वो जो मैग्नीशियम और पोटास का रेशियो वो ऐसा है, अगर दोनों बराबर है तो एक दूसरे को प्रॉपर अपटेक करती है और सपोर्ट करती है। अगर पोटास कम हुआ तो
तो मैग्नीशियम बढ़ेगा तो आपका फ्रूट नहीं पकेगा, और मैग्नीशियम लो हुआ, पोटास ज़्यादा हुआ तो फिर पौधे में डिफिशियंसी दिखाएगी, तो आगे आपका प्रोडक्शन पे वो इफेक्ट लाएगा। जी, तो क्या होता है कि कई वेराइटियाँ हाई टेम्परेचर में फ्रूट सेट नहीं करती है। जी जी। तो उसके लिए पीसीपी एक हार्मोन आता है जिसमें फ्लावर को डिप किया जाता है। जी, और सर हमारे जो सामने देख रहे हैं वो टमाटर के जो किसान होंगे उनके लिए आप कुछ कहना चाहें टमाटर की खेती को लेकर के? मैं तो बोलूँगा कि ये जो PCPA का उपयोग ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये खर्चीला है। जी जी। उसके लिए हम कोशिश करें कि हम ऐसी वैरायटी चूज़ करके लाएँ जो टेम्परेचर यानी हीट में भी सेट हो जाए। जी। तो हमको ये खर्चे से बचे, और अर्ली अगर प्रोडक्शन आ जाता है जी, तो वो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, और वायरस टॉलरेंसी और कीपिंग क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो सर अभी बरसात के सीज़न के लिए टमाटर कब लगा सकते हैं? जैसे हम लोग जो है इन जनरल, बाकी जो फार्मर लगाते हैं जुलाई में भी लगाते हैं, पर वो जुलाई में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आता, वो समय से ही निकाल देते हैं। जी। और जो अगस्त का जो लगा हुआ है टमाटर वो आपका चलता है अप्रैल तक। जी। तो हम लोग अगस्त को प्रेफर करते हैं ताकि लंबे समय तक के वो हमको काम आए। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमारे किसानों भाइयों के साथ बातचीत हुई। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं साथियों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस तरह का हमारा डिफरेंट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। यदि इस तरह की डिफरेंट वीडियो आप लोग हमारे चैनल में चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।